नाम तो सुना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि। एंड क्या होगा यदि आपका बैंक अकाउंट, आपका पूरा मोबाइल फोन, कंप्यूटर, आपकी कार्स वगैरह हैक कर ले तो आप सड़क पर आ जाएंगे। रुकिए, डरिए मत, आप पूरी तरह सेफ हैं। मैं तो यार मजाक कर रहा था, आप तो डर गए। चलो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आज की दुनिया को टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कहा जाता है और आज के टाइम पैसा मेहनत से नहीं कमाया जाता बल्कि स्मार्ट वर्क करके कमाया जाता है। पैसे के लिए आज की दुनिया में कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। पैसा किसी की जान तक ले सकता है। इंडिया, भारत हमारा देश, जहां पर एक साल में अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला ये मर्डर्स सिर्फ पैसे के लिए किए जाते हैं। एक फैक्ट और बताता हूँ एंड इसके बाद हम जस्ट ऐसे हैकर्स के बारे में बात करेंगे जो दुनिया को पूरी तरह वश में कर सकते थे। चलिए पहले फैक्ट जानते हैं। आपको जानकर अजीब लगेगा, भारत में एक दिन में 100 से ज्यादा गर्ल्स का रेप होता है एंड 80 से ज्यादा मर्डर्स। यार एक दिन में भारत के लोग शैतान क्यों बन रहे हैं? आप कमेंट करके हमें बताना जरूर। फ्रेंड्स, हैकर्स मतलब कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को दुनिया से छुपाते हैं और आपको ये पूरी तरह से वश में कर सकते हैं। जस्ट आपको नहीं, हर एक बड़ी बड़ी कंपनीज को कहने का सिंपल फंडा है, ये पूरी दुनिया अपने हाथ में ले सकते हैं जस्ट वन क्लिक ऑफ बटन। तो बेसिकली आज फैक्ट ब्राइट कुछ हैकर्स को ब्राइट करेगा जिसे जानकर आपको पता चले कि दुनिया में क्या कुछ हो चुका है और नेक्स्ट क्या होगा फ्यूचर में, ये कोई नहीं जानता। आज की वीडियो में कौन से हैकर होंगे थोड़ा सा जान लेते हैं। नंबर 1, केवन मिटनिक। नंबर 2, गुमनाम मतलब जिसे कोई नहीं जानता। नंबर 3, एडन लेमो। नंबर 1 हैकर केवन मिटनिक। केवन मिटनिक को अमेरिका का सबसे खतरनाक साइबर क्रिमिनल माना जाता है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीक्रेट प्रोजेक्ट को कुछ सेकंड्स में ही हैक कर लेता था। आपको जानकर अजीब लगेगा, केवन जब जस्ट 13 साल का था तो उन्होंने लॉस एंजल्स बस कार्ड सिस्टम को हैक कर लिया। पता क्यों? क्योंकि वो फ्री में सफर करना चाहता था। यार केवन ने अमेरिकन कंपनी डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब ये कंपनी कुछ डिजिटल सॉफ्टवेयर का निर्माण करती थी, बट केवन ने इसे हैक कर लिया एंड फिर ये गलती की। केवन को 3 साल की सजा मिली। बाय द वे, जेल के आने के बाद केवन ने काफी कोडिंग को सीखा। केवन को काफी नॉलेज थी किसी का मोबाइल हैक करना, फ्री में कॉल्स करनी एंड आपको जानकर झटका लगेगा कि केवन के पास 100 से भी ज्यादा क्लोन फोन थे। छे तो कुछ भी नहीं है। अब आप जो सुनेंगे आपको फिर पता चलेगा कि ये किंग ऑफ हैकर क्यों था। केवन ने IBM, मोटोरोला, नोकिया, फेसबुक, गूगल, पेंटागॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को हैक कर लिया। फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने आपको हमारे चैनल की एक वीडियो में बताया था कि केवन मिटनिक ने पेंटागॉन के मिलिट्री कोर्स को क्रॉस बीच में बेच डाला और काफी इंफॉर्मेशन को यू ही लीक कर दिया। यदि आपको इस हैकर के बारे में और जानना है तो हमारी एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक कर देख सकते हैं। नंबर 2 हैकर गुमनाम। फ्रेंड्स, ये कोई हैकर नहीं है बल्कि कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो लोगों से पैसा लेते हैं और फिर उनका काम करते हैं। मैं किसी भी ग्रुप का नाम नहीं लूंगा बट थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन ग्रुप्स बनाते हैं और आपको यदि किसी का मोबाइल फोन हैक करवाना हो तो आप इन ग्रुप्स में मैसेज सेंड कर देंगे
और इसके बदले आपसे पैसे लिए जाते हैं, मतलब आपसे कमाई करते हैं। वेल आज के टाइम किसी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करना, फेसबुक आईडी हैक करनी, जीमेल अकाउंट हैक करना और काफी सोशल साइट्स जो आप यूज करते हैं, सिंपल इन्हें पैसा दे और ये आपका काम करेंगे। आने वाला फ्यूचर के क्राइम बहुत बढ़ जाएगा, देखते हैं क्या क्या होता है आगे। नंबर थर्ड हैकर एड्रेन लेमो जो बहुत खतरनाक हैकर है, पर इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इस हैकर ने याहू, गूगल एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स को हैक कर लिया एंड फिर एड्रेन लेमो को अरेस्ट कर लिया, पर उसके स्किल्स देखकर अमेरिकन थ्रेट एनालिस्ट में काम मिल गया एंड इस बंदे ने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया और इस जुलम में फिर एक बार अरेस्ट हो गए। बट इसके बाद ये बंदा अंडर कवर में चला गया FBI के साथ, मतलब सिंपल है कि वो हाइडिंग में चला गया। हैकिंग आज के टाइम बहुत फैल चुकी है। आगे एक वीडियो आएगी जहां पर आपको 16 दुनिया के सबसे घातक हैकर्स के बारे में बताएगी। ये जस्ट एक लॉन्ग ट्रेलर था और वो पूरी मूवी होगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी जरूर रखिए। फ्रेंड्स, हैकिंग आज के टाइम बहुत फैल चुकी है, जहां अच्छाई है भला वहां बुराई कैसे पीछे रह सकती है। ये हैकर्स पूरी दुनिया को एक मैदान समझते हैं और आप सब इस मैदान के खिलौने हैं। सो कुछ ही दिनों में एक वीडियो आएगी जो आपको पूरी तरह हैरान कर देगी। बाय द वे, मैं कुछ और वीडियोस भी डालता हूँ, बट वो वीडियो थोड़ी सी लेट आएगी क्योंकि वो थोड़ी सी स्पेशल है। एंड आप सब, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ गाइस, आप क्या सोचते हैं हैकर्स के बारे में? क्या इन लोगों ने आपके साथ कुछ तो नहीं किया, जैसे किसी तरह की आईडी हैक कर ली या कुछ? और कुछ पे लिखकर कमेंट में कुछ बताना जरूर। एंड एक बात तो मैं भूल ही गया, वॉच दी फैक्ट राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कम्प्लीटली।